नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इग्नू का जो हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड, उसका इंतज़ार हम सभी को है। तो ऐसे में जो है इग्नू अपना जो है एडमिट कार्ड का लिंक जो है जारी कर दिया है। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा गुजारिश है, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल घंटा जो होगा उसको दबा दीजिएगा और एक कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र यहाँ पर हम गूगल क्रोम का यूज कर रहे हैं। जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन कीजिएगा कुछ इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे इग्नू पे इग्नू की वेबसाइट पे जाइएगा, इग्नू की वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको इस तरह से देखिए नीचे में सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए अभी तक जो है यहाँ पर शो नहीं कर रहा है इग्नू का जो भी था डाउनलोड करने का, लेकिन इस वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया है। आपको हम एक दूसरा लिंक बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको वापस उसी ऑप जाना है, कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे गूगल टैप कर दीजिएगा। गूगल टैप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो है हॉल टिकट लिख देना, हॉल टिकट इग्नू। जैसे आप इतना लिखिएगा इस तरह से आप कुछ आपको पेज दिखाई देगा। यहाँ पर फिर आपको करना क्या है कि नीचे आ जाना है। नीचे जैसे आप आइएगा यहाँ पे देखिए सेकंड वाला जो लिंक आपका है यहाँ पे, इस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा अगला इंटरफेस आपका कुछ इस तरह से होगा। इसको आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा पेज को। अदरवाइज़ आप यहाँ से चाहते थ्री डॉट से तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप मोड में भी कर सकते हैं इस जगह से। यहाँ पर जाने के बाद फिर आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर होगा वो नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है इस तरह से। अब जैसे नंबर टाइप कीजिएगा यहाँ पे देखिए, और उसके बाद यहाँ पे जो नंबर जो भी होगा आपका यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर वो टाइप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन में जो भी है आपका सब्जेक्ट उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है अभी पूरी तरह से दोस्तों जो है लिंक सही तरह से अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। आप एक दो बार ट्राई कीजिएगा, अगर काम हो जाएगा तो आप इसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है जब तक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी आपका सबमिट का ऑप्शन, जैसे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका जो है देखिए एनरोलमेंट नंबर नोट फाउंड। अभी तक जो है ये लिंक पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है। बीच बीच में ट्राई करते रहिएगा इस लिंक के थ्रू से, जब भी डाउनलोड हो जाए आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।